The objective of this channel to help you how to trading investing in basis of chart patterns or consult your financial advisor before taking any investment. नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल चार्ट विद ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ केस स्टडी दिखाता हूं, उसके बाद आज का स्टॉक के ऊपर जाएंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है पारस डिफेंस का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड प्राइस उसका मेजर सपोर्ट के आसपास क्रिएट किया था एक 1-2-3 सेटअप। एंड 1-2-3 सेटअप क्या है, उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप इसको हायर हाई फॉर्मेशन बोल सकते हैं। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखिए था मेजर सपोर्ट, एंड यहाँ पे जिस टाइप का हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है एंड जिस टाइप का एक रिवर्सल 1-2-3 सेटअप क्रिएट किया है, उसका प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद ये अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था एंड अभी तक भी वो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। एंड ये जो सेटअप है बहुत ही पावरफुल है, जो कि मल्टीपल टाइम हम एनालिसिस कर चुके हैं। मैं अभी आपको और एक केस स्टडी दिखाता हूँ, वो है जोमाटो का। जोमाटो में एग्जैक्टली देखिए उस टाइप का रिवर्सल शो किया था आपके स्क्रीन के सामने। देखिए अभी जोमाटो का वीकली चार्ट ओपन हो गया है और यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम में सक्सेस रेशियो वेरी हाई है। एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस के लिए मेजर सपोर्ट था इस जोन के आसपास। इस लेवल में प्राइस देखिए डबल बॉटम फॉर्मेशन किया, लेकिन हमारा यहाँ पे डबल बॉटम के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड प्राइस के लिए पहला सपोर्ट पॉइंट, प्राइस फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे देखिए प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया, जो कि हमारा 1-2-3 सेटअप। जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, उसके बाद देखिए यहाँ पे इस अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया था, जो कि हम प्रीवियसली बहुत बार इस 1-2-3 सेटअप को कवर किए हैं। एंड आज का जो वीडियो है बारबेक्यू नेशन, एंड इस स्टॉक को ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था कि हाई प्रोबेबिलिटी की पोटेंशियल हाई दिखाई दे रहा है, एक सर्टन पॉइंट को प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे लिस्ट होने के बाद एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया था एंड यहाँ पे लेवल था 1900 के आसपास टॉप ट्रेड किया था। टॉप ट्रेड करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस का कैरेक्टर है, प्राइस ऑलवेज एक चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो करता है, प्राइस अगर नीचे आएगा एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो करता है, प्राइस अगर कंसोलिडेशन करता है तो एक फ्लैट चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे हाई क्रिएट करने के बाद इस डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था। इस दोनों ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी चैनल का अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है मल्टीपल टाइम देखिए सप्लाई मिला है एंड लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिमांड मिला है एंड फाइनली प्राइस देखिए इस डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो करने के बाद उसका मेजर रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड एग्जैक्टली जिस टाइप का सेटअप बना था जोमाटो में एंड पारस डिफेंस में, उसी टाइप का सेटअप देखिए प्राइस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है एक 1-2-3 सेटअप या हायर हाई फॉर्मेशन। ए हो गया 1, ए हो गया 2 एंड ए हो गया 3। जैसे स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 2 पॉइंट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इस 1-2-3 सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, उसके साथ जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा है ना, इसी चैनल को भी प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा और यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ एक नया अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर सकता है अबव दिस 2 पॉइंट। एंड एग्जिट पॉइंट कहाँ पे बनाएगा, ए 3 पॉइंट, क्योंकि जो हमारा 1-2-3 सेटअप के हिसाब से अबव 2 पॉइंट हमारा सेटअप एक्टिवेट होता है, बिलो 3 पॉइंट यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट बनता है। अगर आप देखेंगे सेटअप एक्टिवेट होगा एबव 600, ये जो हाई है ना इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करने के बाद ये 1-2-3 सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा एंड जो प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है वो बनेगा एग्जिट पॉइंट। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 495 इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर लेता है, उसी केस में ये चार्ट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि अबव 650 यहाँ पे एक नया अप ट्रेंड प्राइस एस्टेब्लिश कर सकता है, जिस टाइप का एबव 600, ये 650 नहीं, जो स्विंग हाई बना है 600, ओके एबव 600 प्राइस यहाँ पे एक नया अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर सकता है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस सेटअप एक्टिवेट होने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 770 का एंड 770 के बाद 1270 एंड 1270 एंड बड़ा टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है एंड मार्केट सपोर्ट करता है तो लाइफ हाई को भी टेस्ट कर सकता है। तो इस सेटअप को आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, केस स्टडी को फॉलो कीजिएगा एंड क्वांटिटी रिस्क को मैनेज कीजिएगा। आई होप आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।